एक ऐसा मंदिर जिसकी निर्माण कुशलता ने सबको चौंका कर रख दिया है। एक ऐसा मंदिर जिसने आधुनिक विज्ञान के सामने भी चुनौती खड़ी कर दी है। एक ऐसा मंदिर जिसे देख हिस्ट्री चैनल के बड़े बड़े रिसर्चर्स भी हैरान हो गए थे। सिरपुर छत्तीसगढ़, जहां पर स्थित है सुरंग टीला मंदिर। इसे 7वीं सदी में बना एक मंदिर कहा जाता है, जो कि 11वीं सदी में आए विनाशकारी भूकंप को झेलने के लिए जाना जाता है। ये भूकंप इतना विनाशकारी था कि इसने इस पूरे इलाके की हर इमारत को तबाह कर दिया, जिस कारण इस पूरी जगह को ही छोड़ दिया गया। लेकिन इसे आज से कुछ दशक पहले ही दोबारा ढूंढा गया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व सुप्रीडेंट अरुण शर्मा ने जब इस जगह पर रिसर्च की तो वो भी हैरान थे। लगभग 1400 साल पुराना और इतना भयंकर भूकंप झेलने के बाद भी ये मंदिर टूट कर नहीं गिरा था। इस मंदिर की सीढ़ियां मुड़ गई थीं, फिर भी इस मंदिर का ढांचा वैसे का वैसे खड़ा था। आज के समय में जब हर इमारत को कंक्रीट से बनाया जाता है और सीमेंट की उम्र भी 70 से 100 साल ही कही जाती है, तभी फ्लैट्स को 99 साल के लिए ही बेचा जाता है, क्योंकि 100 साल के बाद सीमेंट भी मिट्टी की तरह हो जाता है, जिससे इमारत को जोड़े रखने की क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन इस मंदिर को आयुर्वेदिक लेप से जोड़ा गया है, जो 1400 साल बाद भी उतनी ही मजबूती के साथ टिका हुआ है। इसी के साथ इस मंदिर के नीचे 3 सुरंगें भी बनाई गई हैं, जो खासकर भूकंप झेलने के लिए ही बनाई गई थी। दुनिया जहां आज भूकंपरोधी इमारतें बना रही हैं, वहीं भारत में इसे 1400 साल पहले ही बनाया जा चुका है। मार्च 2017 को हिस्ट्री चैनल के रिसर्च टीम की तरफ से प्राचीन अंतरिक्ष विचारक जॉर्जियो सुकुलस भी इस मंदिर का परीक्षण करने आए, और इसे देख वो भी हैरान थे, क्योंकि 1400 साल पहले ऐसा आयुर्वेदिक लेप बनाना हैरानी वाला था, जो भूकंपरोधी भी हो और इतने लंबे समय तक टिका भी हो। ऐसा माना जाता है इस मंदिर का निर्माण असुर राजा मयासुर के प्राचीन ग्रंथ मयंतम से किया गया है। मयासुर के पास भवन निर्माण की अपार कुशलता थी। मयासुर ने ही पांडवों के लिए महल निर्माण भी करवाया था। मयंतम में ही कई ऐसे ही भवन निर्माण के तरीके भी लिखे गए हैं, जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं। इस मंदिर में शिवलिंग भी स्थापित किया गया है, जो इस मंदिर से भी पुराना माना जाता है। आज हर पुरातत्व शास्त्री और अंतरिक्ष विचारक यही मानता है कि इस मंदिर की निर्माण कुशलता भी किसी उन्नत सभ्यता का नतीजा है। आज जैसे जैसे भारत की प्राचीन जगहों की खोज हो रही है, दुनिया की हैरानी और बेचैनी बढ़ती जा रही है। हैरानी इसलिए बढ़ रही है कि क्या सच में उस समय की विज्ञान और तकनीक इतनी विकसित थी, और बेचैनी इसलिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये तकनीक इस तरह से विलुप्त हो गई।